देवास जिले के बागली तहसील के उदयनगर पुलिस की उदासीनता के चलते क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश व्याप्त है, लेकिन आज तक उदयनगर पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। उक्त चोरी की घटना अब पुलिस के गले की हड्डी बनती नजर आ रही है। उदयनगर में भाजपा नेता के यहाँ लाखों की चोरी होने के 7 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं 8 दिन में 4 जगह चोरों ने धावा बोल दिया है। चोरी की ताबड़तोड़ वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने नगर बंदकर थाने के सामने ही प्रदर्शन किया और टेंट लगाकर धरना भी दिया। वहीं पुलिस की कार्यशैली की निंदा करते हुए खुलासा न होने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी है। धरना आंदोलन में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व में भी उदयनगर में लगभग 4 स्थानों पर चोरी हो चुकी है, जिसमें भी लाखों का माल चोर ले उड़े हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। धरना प्रदर्शन के दौरान बागली SDOP SL सिसोदिया, थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने ग्रामीणों से चर्चा कर बताया कि पुलिस द्वारा हर बिंदु पर चोरों की तलाश की जा रही है। बागली से रवि पाटिल की रिपोर्ट। विगत कई दिनों से कई बार उदयनगर क्षेत्र में उदयनगर नगर में चोरियों को लेकर पुलिस की निष्क्रियता को लेकर धरना दिया गया है और आज समस्त ग्राम के लोग अपना प्रतिष्ठान बंद कर थाने के समक्ष धरना आंदोलन किया। 1-2 बजे तक के लिए धरना आंदोलन था और इसके पश्चात आगामी कार्रवाई के लिए उदयनगर ग्राम के सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रामीण जन गृह मंत्री से मिलने की योजना बनाते हुए आज भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन अपने कहें तो एक TI हमारे पंकज जी त्रिवेदी जी आज 2 दिन पहले ही ज्वाइन हुए। उन्होंने कहा है कि मैं 2 दिन पहले ही उस उदयनगर में ज्वाइन हुआ हूँ, मैं अभी चित परिचित नहीं हूँ क्षेत्र से और क्षेत्र में सघन में दिन का एक आश्वासन तो निश्चित दे नहीं सकता हूँ कि इतने दिन में चोरी को पकड़ लूँगा, पर मैं पूरी तरह से तैयार होकर मैं अपनी योग्यता के अनुसार चोरी पकड़ने में हर जो कदम उठाना चाहिए मेरे अनुभव के आधार पर वो उठाकर जल्दी से जल्दी चोरी पकड़ने का आश्वासन दिया है। पर चूंकि ग्रामीण जन उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है क्योंकि कोई दिन तारीख तय नहीं बताई है, इसलिए ग्रामीण जन उससे असंतुष्ट है और गृह मंत्री से मिलने की योजना बनाकर भोपाल के प्रस्थान करने की तैयारी। उदयनगर एवं आसपास के क्षेत्रों में आए दिन चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं, इन चोरी की घटना में कई बार चोरियां कई लोगों के यहाँ हुई, किंतु नगर उदयनगर के श्री जीवन सिंह जी दांगी के यहाँ ये जो चोरी बड़ी चोरी हुई है, इस बात को लेकर एवं पिछले साल गिरधरलाल जी महाजन के यहाँ जो चोरी हुई, उसके पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव बघेल जी के यहाँ एवं हमारे ही गांव के गरीब तबके के कुमार रामू प्रजापत के यहाँ पे भी जो एक चोरी हुई 2-2.5 लाख की, उस गरीब व्यक्ति ने अपनी बच्ची के शादी के लिए 2-2.5 लाख रुपए एवं गहने इकट्ठे करके रखे थे, किंतु चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ऐसी क्षेत्र की कई घटनाएं, किंतु पुलिस ने आज तक कोई भी इस चोरी को ट्रेस नहीं कर पाई है, इसलिए हम सब लोग थाने के सामने धरने पे बैठे थे। इसके बाद अब गांव बंद करके अब हम लोग जो एक गृह मंत्री से मिलने भोपाल जा रहे हैं और अब उनसे ही सीधी बात होगी। ये उदयनगर क्षेत्र के लोग थे, उनका ये कहना था कि उदयनगर जो छोटा सा कस्बा है, बस्ती है, उसमें चोरियां वगैरह ज़्यादा होती हैं, गश्त प्रॉपर नहीं हो पाई है, इसी वजह से बीते दिनों ये चोरी का जो दांगी दिखा हुई थी इसी वारदात हुई है। इस संबंध में लोगों से जो उनके ग्रीवांसेस थे उसके संबंध में मेरी मुलाकात हुई, मैंने अपनी तरफ से लोगों को आश्वस्त किया कि सुस्त प्राय पड़ी गश्त को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेंगे। नगर रक्षा ग्राम रक्षा समिति के लोग हैं, उनका भी पुनर्गठन कर उन्हें भी गश्त में जोड़ेंगे और क्या बेहतर तरीके से हम इस कस्बे को सुरक्षित रख सकते हैं उसके पूरे उपाय करेंगे। जो चोरी हो चुकी है पहले हुई है उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उनके जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और इसमें लोगों का भी सहयोग लेंगे। यही बात थी और इतना बात करने के बाद फिर लोग चलेंगे। तो सर उनको कुछ आश्वासन दिया गया है कि इतने दिनों में कुछ चोरी का खुलासा हो जाएगा? नहीं, देखिए आश्वासन वो समय मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं आश्वासन मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास अभी फिलहाल ना तो कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण क्लू हाथ में लगा है और ना ही हम के आगे भविष्य का आकलन कर सकते हैं कि कितना टाइम है। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं अपने प्रयास सार्थक करूँगा, लेकिन आश्वासन